नमस्कार, देवभूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा रावत। नजर डालते हैं इस हफ्ते की प्रमुख खबरों पर। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मोहर लगते ही नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। आपको बता दें कि 9 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस कानून का अनुमोदन दिया गया था। इस कानून के तहत आजीवन कारावास तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के लागू होने पर बेरोजगार संगठन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सरकार की सराहना की। कांग्रेस नकल विरोधी अध्यादेश के लागू होने पर संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। नकल विरोधी अध्यादेश पर कांग्रेस द्वारा तीखा कटाक्ष किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के कानून पहले भी बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कानूनों में खामियां देखने को मिलती है। बुला करके उनसे बातचीत करके ये कहलवा दोगे हमारी मांग मान ली गई है तो मान लेंगे। सेवारत कर्मचारी हैं उनमें से कुछ, उनकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री जी के सामने ये कह दें जो है उनके बाहर नौकरी वो भी खो दे। हफ्ते सबसे बड़ी घटना रही राजधानी देहरादून में बेरोजगार संगठन के बैनर तले बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। बुधवार को बेरोजगार युवाओं ने पहले गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन रात के बाद इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया और गुरुवार को भारी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन कर गांधी पार्क के बाहर रोड जाम कर दी। मामला शांत करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया तो युवाओं द्वारा पुलिस पर और पुलिस द्वारा युवाओं पर पथराव की बात भी सामने आई। शुक्रवार की रात सड़क पर बैंड बाजे की धुन पर डांस कर रहे बारातियों को एक बेकाबू कार ने रौंद दिया। इस हादसे में एक बैंड वाले की मौके पर ही मौत हुई और जबकि 31 बाराती घायल बताए जा रहे हैं। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह बारातियों को रौंदते हुए आगे निकल गई। घटना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कार चालक को हिरासत में ले लिया। यह मामला हरिद्वार के बादराबाद थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब खबर पौड़ी से। पौड़ी में 10 साल के नाबालिग का अपहरण करने के लिए मुजफ्फरनगर से आए दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दो युवक गुरुवार की शाम को 10 साल की नाबालिग के घर पहुंचे थे, लेकिन नाबालिग के परिजनों ने सूझबूझ दिखाकर दोनों युवकों को कमरे में बंद कर डाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। लड़के मुजफ्फरनगर से आए थे, इनकी एक लड़की पौड़ी की थी, इससे इंस्टाग्राम पे जो है इनकी जो है मुलाकात फेसबुक पे हुई और ये दोनों लड़के 10 तारीख को ये पौड़ी पहुँचे रात में और इन्होंने लड़की के घर में आए और उसमें जो है घर वालों को पता लगा कि हमारे घर में दो लड़के मुजफ्फरनगर से आए, उन्होंने बंद किया और पुलिस को सूचना दी। इस आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जो है थाने ले गई और वहाँ इनको जो है आज इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सुसंगत धाराओं में और आज इनको जो है न्यायालय में पेश माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हरिद्वार में मानव तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कलयुगी माँ अपने 3 माह के बेटे को बेचने वाली थी, लेकिन पुलिस ने अंतिम समय पर पहुंचकर नवजात को नीलाम होने से बचा लिया। इस मामले में बच्चे की मां, नाना, खरीदार सहित पुलिस ने बिचौलिए को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों के पास से पुलिस द्वारा 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बच्चे को बेचने का प्रकरण थाना कनखल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी गोपनीय रूप से कि इस तरह से यहां पर एक डीलिंग हुई है। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और उसके रिलेटिव ने जो है रानी पोखरी क्षेत्र में एक अपने 3 माह के बच्चे को कुछ काफी बड़ी धनराशि में बेचा है। इसकी प्राथमिक जाँच इंस्पेक्टर द्वारा की गई और जब ये पाया गया कि तथ्य सही थे तो उसे पूछताछ के लिए इसमें 4 लोग को लाया गया, जिसमें यह पूरा मामला पता चला कि जो 3 माह का जो बच्चा था उसको उन्होंने सौदा किया था 9 लाख में बिचौलिए के माध्यम से और एक दंपत्ति जिनके पास बच्चा नहीं था, उनको मेल बच्चे की आवश्यकता थी तो उन्होंने इस बच्चे को लिया था, लेकिन पैसे के लेन देन और बिचौलिए के कारण कहीं कोई ऐसी हुई जिससे बात कहीं से आई गोपनीय रूप से, जिस पर पुलिस ने इसमें जाँच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 लाख रुपये जो लेन देन के थे वो बरामद हो गए हैं। साथ ही साथ जो है बच्चे को भी, बच्चे के जो नाना और उसकी मदर अरेस्ट हुई, एक बिचौलिया अरेस्ट हुआ, साथ ही साथ जो दंपत्ति खरीदने वाले थे उसमें से एक महिला की अरेस्ट की गई है। चूंकि अरेस्टिंग अभी हुई है, 4 लोग के नाम प्रकाश में है, आगे भी इसमें कोई अगर जुड़ा होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए टीम को बताया गया। उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में शुक्रवार को पौड़ी पहुंची। जिला मुख्यालय की सड़कों पर पदयात्रा निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जोड़ो कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दूसरा चरण है और हम सब लोगों को ब्लॉक, न्याय पंचायत, बूथ और गांव स्तर तक जाकर लोगों से संवाद करना, कुछ 3 पर्चे हैं, एक राहुल जी का संदेश, एक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का संदेश और जो भारतीय जनता पार्टी की के खिलाफ जो 4 सीट है उसको जन जन तक पहुंचाने की एक मुहिम है। साथ ही
प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी की एक सभा और आदरणीय प्रियंका गांधी जी की महिला मार्च प्रस्तावित है। इस हफ्ते स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार कुमाऊं दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में कैंसर अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल को आधुनिक मशीन जल्द मिल जाएगी, जबकि हल्द्वानी कैंसर अस्पताल के विस्तार के लिए जो जमीन का मसला था वो सुलझ गया है और जल्द ही इसे हरी झंडी मिल जाएगी। देखिए, अभी फिलहाल जो मेडिकल कॉलेज है तो उसका मैंने निरीक्षण किया था और कल पिछले 2-3 दिनों से मैं कुमाऊं के दौरे पर हूँ। मैंने शुरू किया था चंपावत से, फिर पिथौरागढ़ गया। पिथौरागढ़ की जो बेस हॉस्पिटल है उसको संचालित करने के लिए क्या क्या कदम हमें उठाना है तो उस पर भी मेरा ध्यान रहा। तो अभी फ़िलहाल कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो हम लोग यहाँ पे मेडिकल कॉलेज से उपलब्ध करा सकते हैं बेस हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए, उसका भी मैंने मौका मायना किया। और बाकी मैंने आश्वस्त किया है प्रिंसिपल साहब को कि हमारी ओर से जो जो भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि बजट की कोई कमी नहीं है और सही प्रस्ताव अगर आता है शासन को तो हम लोग इमीडिएटली कोई टाइम वेस्ट नहीं करते बस बजट को सैंक्शन करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी हम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो लगातार कमी बताई जाती है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग यू कोड पी पे योजना अभी ले आ रहे हैं, उसका ऐड भी निकल चुका है और 16 तारीख को इंटरव्यू होगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए। और उसमें लगभग जो सैलरी हमने रखी है कॉन्ट्रैक्चुअल मोड के माध्यम से तो उसमें 4 लाख तक का हमने रखा है, तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उसमें मिलेंगे। हरिद्वार में भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। यहां स्कूल के बंद होने को लेकर अभिभावक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इन अभिभावकों का कहना है कि उनके द्वारा हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर इसका समाधान निकालने की मांग की गई थी, मगर कोई नतीजा ना निकलने के बाद अभिभावक काफी क्रोधित हैं। ये विरोध इसलिए किया गया है कि पिछले कुछ समय से लगातार हम जो है क्षेत्रीय सांसद जी को केंद्रीय विद्यालय की समस्या से अवगत करा रहे थे। उन्होंने कई बार हमें आश्वासन भी दिया कि इस समस्या का समाधान हो भी जाएगा, लिहाजा जब वो खुद भी मंत्री बन गए तब भी उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं करा केंद्रीय विद्यालय की। आज स्थिति ये आ गई कि केंद्रीय विद्यालय एक इकलौता हरिद्वार के अंदर विद्यालय है जो बंद होने की कगार पे है। अभी धीरे धीरे उन्होंने कक्षा 1 में प्रवेश लेना बंद किया है, निश्चित ही फिर अगले साल फिर अगली क्लास में बंद हो जाएंगे। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो क्षेत्र के सांसद हैं, उनकी पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लगभग 2000 के लगभग बच्चे हैं और इसमें खाली BHL एम्प्लॉइज नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों के बच्चे इसमें पढ़ते हैं। BHL में तो हमारा केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 का जो पहले 1 था, इससे पहले वो बंद हो गया, अब ये भी उसी पायदान पर है। प्रदेश में जल्द चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, साथ ही दवाइयां मेडिकल इक्विपमेंट भी हमारे पास पूरी तरह से उपलब्ध है। मैं रुद्रप्रयाग जिले की बैठक कर रहा हूँ, परसों चमोली जिले की बैठक कर रहा हूँ और फिर इसी हफ्ते में उत्तरकाशी जिले के भी समीक्षा बैठक करने जा रहा हूँ। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी को कोई दिक्कत नहीं रही है, हमारे पास डॉक्टर्स पूरे हैं, संसाधन पूरे हैं, दवाइयाँ पूरे हैं और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने भी मुझको ये कहा है। अभी मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने गया था तो उन्होंने भी कहा कि आप चार धाम के लिए एक अलग से जितना भी खर्चे की जरूरत पड़ेगी भारत सरकार भी देने के लिए।